चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। एक तो लालू यादव के मामले की सुनवाई की तारीख बदल गई। उसके बाद फोन टैप मामला सामने आने के बाद लालू यादव को केली बंगले से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उनके लोगों से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को टाइट कर दिया गया। लगातार परेशानियों में घिरे लालू को लेकर बीजेपी ने भी नई मांग शुरू कर दी है। बीजेपी ने लालू यादव मामले में सरकार की लापरवाही और जानबूझकर ढील देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके स्वास्थ्य की मेडिकल टीम से जांच कराई जाए और ठीक रहने पर उन्हें होटवार में शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, लालू जी को जिस तरह से रिम्स में, रिम्स के बाद जो है कोली बंगले में इलाज के नाम पर जो है रखा गया, और वो लगातार जो है जेल मैनुअल का भी उन्होंने उल्लंघन किया और लगातार फ़ोन से बात करते रहे, वहीं से टिकट बांटते रहे, लगातार आप लोग भी दिखाते रहे हैं सारी चीज़ों को। तो जिस तरह से वो दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से वो जो फोटो आ रही है और जिस तरह से बातें आ रही, इससे ये लगता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और केवल उनको जो है इलाज के नाम पर सुविधाएं प्रदान कर रही है। राज्य सरकार जो है का रेड कारपेट बिछाए हुई है, मेडिकल उनका जांच होना चाहिए, बोर्ड जांच करे कि वो कितना फिट हैं, और उनसे ज़्यादा खराब स्थिति में कैदी वहाँ एक से एक कैदी पड़े हुए हैं, तो उनको इलाज कराएं, और अगर ये स्वस्थ हैं तो इनको जेल में भेजना चाहिए सर। बीजेपी लालू यादव को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं आरजेडी का कहना है कि लालू यादव एक जन नेता है, इसका ध्यान सरकार रखे। आरजेडी ने सरकार से मांग की है कि लालू यादव के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से कानून की इज्जत करती आई है, चाहे वो लालू जी का ही मामला क्यों ना हो। हमने कभी कानूनी प्रक्रिया में या प्रशासनिक कार्य में दखलअंदाजी नहीं किया। कोरोना के समय भी हमारा मांग था कि लालू जी को रिहा किया जाए, क्योंकि जहां उन्हें रखा गया था वहां पे कोरोना के बहुत सारे पेशेंट थे। फिर उन्हें केली बंगला में शिफ्ट किया गया बिना पहले से बताए, फिर केली बंगले से रिम्स में शिफ्ट किया गया। तो हमारी मांग है कि लालू जी की उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए। लालू यादव को लेकर उठा बवाल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। ऐसे में लालू यादव जेल या अस्पताल में रहने को लेकर आगे क्या निर्णय होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।